अब यहाँ से सब कुछ चेंज होने वाला है। इसका एक स्पॉइलर आने वाला है VRS वाला। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, हमारी गाड़ी का काम कराने के लिए। और भाई इस गाड़ी का फाइनली एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होने वाला है। एक नहीं, मल्टीपल चेंजेस होने वाले हैं। वो एक साथ ही दिखेंगे, एक साथ होंगे, एक साथ दिखेंगे, एक साथ मजा आएगा भाई। गाड़ी का पूरा एक अवतार चेंज हो जाएगा, गाड़ी डिफरेंट लगने वाली है। जिस तरीके से गाड़ी दिख रही है अब एस्थेटिकली है, ये तो समझ ही आएगी, समझ आ ही गया होगा, पर एस्थेटिकली अब गाड़ी काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। तो अभी देखो भाई, हम अपनी वेंटो को लेके और इसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी लोरा की बात कर रहे हैं तो अब बस इसको लेके जा रहे हैं अब हम, और उसके बाद बढ़िया मज़ा आएगा भाई। दोनों गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक गाड़ी से वापस भी आना है, क्योंकि सारा सामान भी ट्रांसफ़र करना है और बाकी और भी काम है हमें। वो सब आपको धीरे धीरे ही दिखेगा, धीरे धीरे बताएंगे। पर भाई अभी देख लो, लास्ट फाइनल ऐसे, इसके बाद गाड़ी पूरा तरीका हुलिया बदलने वाला है गाड़ी का। और मैं पूरा एक वॉक अराउंड सा भी कर दूंगा कि भाई सबको दिख जाए पहले कैसी थी, पुराना रैप कैसा था और अब गाड़ी कैसी होने वाली है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। और जो लोग वेट कर रहे थे, इसको चैनल पर लाओ, चैनल पर लाओ, ड्रैग्स में भी आ जाएगी, ऐसे भी आ जाएगी, और बहुत मज़ा आएगा इस बार। तो भाई अभी मैं मुनीश भैया के साथ साथ हूँ, जो शकील भैया के छोटे भाई हैं, और इन्हीं के पास से मेरे चाचा की इतनी सारी गाड़ियाँ, भाई सारे काम आप ही करवाते हो। जी जी बिल्कुल। और भाई हमारी गाड़ी जो है पीछे खड़ी हुई है, अभी पुराने अवतार में, पुराने लुक में, पुराने रैप में, जो इसका पोल सा रैप है, थोड़ा ग्लॉसी सा है, शाइनी सा है, मैट सा है, ये हमने नहीं कराया था, ये पहले से ही किसी ने कराया हुआ था जिसकी गाड़ी थी ये। तो अब गाड़ी की पूरी लुक चेंज होने वाली है। तो भैया पहले बता दो, दो तीन कलर जो इसको बढ़िया लगेंगे। ये इसको डार्क एडिशन में करना है तो हम ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक मैट या ग्लॉसी। आई थिंक ग्लॉसी इज़ बेटर, ग्लॉसी बेटर रहेगा। प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में साफ़ सफाई करने में, जैसे कपड़े वगैरह मारते हैं तो उसमें कपड़े के निशान आ जाते हैं। अच्छा, तो ग्लॉसी वो माइक्रोफाइबर से करना पड़ता होगा फिर। हाँ, उसके लिए फिर अलग से शैम्पू वगैरह। अच्छा, तो वो टंटे अलग हो जाएंगे, तो ग्लॉसी बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा भैया मैं ये सोच रहा था कि या तो हम इसको थोड़ा सा रस्टी कलर में रखते हैं, रफ। हाँ, रफ सा, थोड़ा रफ में भी वही जो सेम मैट वाला है वही। अच्छा, ग्लॉसी इज बेटर है, ग्लॉसी बेटर है। तो ग्लॉसी में हम तो सी में, इसमें अगर आपको जाना है डार्क शेड में, हाँ, या तो फिर ग्रे शेड में जा सकते हो, तो फिर या फिर ब्लैक या फिर ब्राउन वगैरह को इस तरह, हाँ, का देख लेते। तो मतलब चॉकलेट ब्राउन टाइप वगैरह, तो या तो नॉर्मल इसका क्रेयॉन ग्रे देख सकते हैं, नाडो ग्रे देख सकते हैं, वो भी बेस्ट ऑप्शन, वो भी सही रहेगा ना। बिल्कुल। तो भाई अभी जो भी होगा वो आप ही डिसाइड करना, आप ही बताना कमेंट में कौन सा कराना चाहिए हमें। दो तीन आप देख लो, हम ग्रे सोच रहे हैं, ब्लैक सोच रहे हैं, और हाँ, और चॉकलेट ब्राउन या चॉकलेट ब्राउन, हाँ, जैसे होंडा का आता है। तो ये दो चार कलर सोच रहे हैं, ब्लैक ब्लैक कर रहे हैं वगैरह ये। तो बस भाई अभी यही देख रहे हैं। और उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ अगर हम ग्रे या फिर जैसे भैया बता रहे हैं ब्राउन में, तो हम डुअल शोड डुअल टोन में कर सकते हैं, ग्रे के साथ हम ब्लैक में जा सकते हैं। हाँ, तो दोनों करके देख लेंगे। और भाई गाड़ी पूरी लुक चेंज होने वाली है, सब कुछ बिल्कुल चेंज होने वाला है। अभी बस कितने दिन लगेंगे भैया इस पूरे काम में? मैक्सिमम 10 to 15 days लग जाएंगे, 10 to 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वो पेंट हो रही है भैया, सारी फिटिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर खोलनी पड़ेगी ना, कलर चेंज करना है, तो इसके साइड मिरर्स, डोर हैंडल्स, फिटिंग्स, सारी मतलब प्रॉपर फिटिंग खुलेगी। कलर अंदर भी हो रहा है सर, बाहर नहीं हो रहा ना, क्योंकि मेनली क्या होता है ये एजेस है ना। हाँ हाँ हाँ, इन एजेस में अगर फिटिंग नहीं खोलेंगे ना तो इन एजेस के अंदर व्हाइट व्हाइट दिखेगा। अच्छा, और बाहर से जो हम कलर करेंगे, हाँ, तो बाद में बड़ा गंदा लगता है, और जो दरवाजे के अंदर भी कलर अलग दिखेगा। तो दोनों कलर हमें सेम रखना है, पूरी बॉडी कलर करनी है, तो इस वजह से हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ये जो है सारा पेंट ही होगा, हम रैप वैप तो नहीं कर रहे। नहीं सिर्फ पेंट, क्योंकि भाई रैप में ना वो क्वालिटी नहीं आती। हाँ, ये देखो ना, ये चीज आ जाती है, तो कुछ टाइम के बाद ना ये चीज़ें देखो भाई, ये ऐसे पूरा अगर कहीं पे भी हल्का सा डेंट या डैमेज आएगा ना, हाँ, तो ये फिर प्रॉब्लम सही है। ये पूरा ऐसे ही हो जाएगा भाई कि हल्का सा कहीं से भी गाड़ी कटी रगड़ के निकली, सारा रैप हाथ में आ जाएगा। यही सारे नुकसान होते हैं भाई रैप के, इस वजह से हम पेंट पे ही जा रहे हैं। और पेंट हम चेंज करना होगा, दोबारा करा लेंगे 3-6 महीने में। शेड्स कभी भी चेंज, वो तो कभी भी चेंज करा लो, वो कोई बड़ा सिस्टम रैप जैसा ही रहता है, पर थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि रैप जो है ना फटता है, रैप से बेटर है। हाँ, रैप से बेटर है, और पुराना चलता आ रहा है भाई, थोड़ा किसी रीजन से ही होगा। बिल्कुल। रैप तो अभी नई नई आई चीज़ है। तो भाई अभी गाड़ी देख लो एक बार, पुराने उसमें लुक में, अब यहाँ से सब कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पे भी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस होने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, वो या जब गाड़ी हो ही रही होगी, जैसे जैसे सामान आता रहेगा इसका, क्योंकि कुछ सामान मंगवाया मैंने, तो वो सारा फिटमेंट पूरी चेंज हो जाएगी। सामने से अभी ऐसे दिख रही है, एक बार आपको मैं साइड पे भी ले चलता हूँ, साइड पे इस पोर्शन में भी कुछ चेंज कराने वाला हूँ मैं, ORVM तो करा ही रहा हूँ। रियर में अगर मैं जाऊँ तो रियर में भी यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ चलो आपको मैं, इसका एक स्पॉइलर आने वाला है VRS वाला। अब VRS पूरी किट आ रही है कि नहीं आ रही वो नहीं बता रहा मैं, पर गाड़ी फिलहाल ऐसी दिख रही है, और चेंजेस होने वाले हैं, चेंजेस काफ़ी सारे मेजर होने वाले हैं।
और हमने पहले इसका स्टेज वन रीमैपिंग और वो सब कुछ तो करा ही दिया है कि गाड़ी का एग्जॉस्ट भी चेंज है, सब कुछ चेंज है। अब भाई देखने में एस्थेटिक पे चेंजेस कर रहे हैं और इसके बाद हम इसके दोबारा मैकेनिकल्स पर ही चलेंगे कि भाई मैकेनिकली चेंज कर देंगे कुछ और, स्टेज टू करा देंगे, इंटरकूलर अपग्रेड करा देंगे, टर्बो इनलेट चेंज करा देंगे। खैर वो सब तो आज बाद की बात है, पर अभी भाई गाड़ी दे रहे हैं भैया के पास, गाड़ी 2 हफ्ते के लिए जा रही भैया के हवाले, और उसके बाद फिर दिखाता हूँ आपको गाड़ी का हाल कैसा है, अपडेट देता रहूँगा, आता रहूँगा भैया आपके पास और परेशान करूँगा भैया आपको, अपडेट करता रहूँगा। हाँ, डन डन भैया, डन डन। तो गाइस अभी फाइनली भाई हमने इतने टाइम के बाद 4 महीने हो चुके हैं गाड़ी को आए हुए और अब गाड़ी हमारी फाइनली जा रही है इसके फर्स्ट मेकओवर के लिए, एस्थेटिक चेंजेस के लिए, क्योंकि भाई मैं इन्हीं चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि यार पहले गाड़ी का ना इंटरनल सारे ठीक होने चाहिए, मैकेनिकली गाड़ी एकदम स्वीट एंड साउंड होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, रीमैप हो जाए पहले, पावर बढ़ जाए, 200 BHP के आसपास पहुंच जाए, उसके बाद गाड़ी में कुछ एस्थेटिक काम कराएंगे, क्योंकि वरना फ़ायदा नहीं भाई, वरना फिर सिर्फ ये देखने वाली गाड़ी बन जाती है, फिर किया सेल्टोस हुंडई क्रेटा वाली बात आ जाती है कि भाई गाड़ियाँ देखो भाई कि गाड़ी देखने में अच्छी है पर पूरी जान लगा लो, भगा लो, रीमैप करा लो, गाड़ी भागेगी नहीं। बस इसी रीज़न से पहले मैं ये सारा काम करा लेता हूँ। और दूसरी चीज़, अब भाई आप जल्दी से बता दो कि कौन सा कलर कराएं, क्योंकि 2-3 ऑप्शन दिए मैंने आपको, एक ब्राउन दिया है, एक मैट ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक दिया है और तीसरा नाडो ग्रे, लेकिन हम सोच रहे हैं डार्क ही रखेंगे, लाइट रखने का फ़ायदा नहीं है, लाइट थोड़ा सा छपरी सा लगता है और गाड़ी पे सूट भी नहीं करेगा ना उसके एस्थेटिक्स को सूट करेगा। एक और कलर करवा सकते हैं हम, बोलूं पिंक करवा लेते हैं। हाँ सही बात है भाई, बार्बी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। हाँ तो सर कोई पिंक की तरफ ही जा रहे हैं तो हमने सोचा हम भी पिंक ही करा लेते हैं। ले लियो फिर पिंक कराएंगे, ठीक है इसे कराएंगे पिंक। हाँ इसको पिंक करा देंगे भाई इसकी गाड़ी को, इसका वैसे ही कलर काफी टाइम हुए हो चुका है, अब इसका चेंज कराने का, रूफ इसकी पिंक करा देंगे और व्हाइट के साथ डुअल टोन है मस्त। हाँ। और बारबी की एक डॉल यहाँ रख देंगे डैशबोर्ड के ऊपर, जैसे लोग अपनी बॉल्स फंसा देते हैं छोटी छोटी सी। तो ये 3 कलर है, जल्दी जल्दी चूज करके बता दो कमेंट, ब्लैक को प्लीज जिताना, मैं पोल डाल दूंगा, पोल पे सिलेक्ट कर देना यार, क्योंकि अभी हीट गन से पहले इसका पुराना रैप उतरेगा जिसमें 1-2 दिन लगेगा, क्योंकि अभी दिल्ली में लगातार बारिश होती जा रही है, आज के दिन धूप थोड़ी निकल गई थी, लेफ्ट ले लियो, तो धूप निकल गई थी तो इस वजह से थोड़ा सा फिर हमने सोचा आज ही दे आते हैं गाड़ी, काफ़ी टाइम से पोस्टपोन हो ही रहा है। तो बस भाई अभी यही अपडेट है, जल्दी बता देना कलर फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद फिर सीधा गाड़ी दिखाता हूँ आपको और जो बाकी चेंजेस है वो भी दिखा दूंगा, जैसे VRS स्पॉइलर आ रहा है और भी चेंजेस है वो आपको बाद में बताऊंगा, अभी फाइनलाइज हो गए। हाँ। बस कलर ही आप पे डिपेंड करता है। बस भाई अभी ये सारी चीजें फाइनलाइज होती हैं फिर दिखाता हूँ आपको गाड़ी। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर वीडियो, बाय बाय।